मैंने बर्गर और एक चाय का ऑर्डर दिया है, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, मैंने सेव पे क्लिक किया, ये सेकंडों के अंदर जो है आपका बिल प्रिंट होकर आ रहा है, ये देखिए। नमस्कार दोस्तों, जगजीत चौधरी ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज तक आपने हमारे चैनल पे बिजनेस की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो बहुत ही यूनिक है और अलग है, और मेरे उन व्यापारी भाइयों के लिए है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिजनेस से इन्वॉल्व हैं, चाहे उनका बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, कोई किराने की शॉप हो, कोई कपड़े की शॉप हो, कोई आपका रेस्टोरेंट हो, कोई होटल हो, किसी भी तरह का अगर आपका बिजनेस है तो कभी ना कभी आपको बिल निकालने के लिए किसी ना किसी मशीन की ज़रूरत पड़ी होगी। आपने लैपटॉप रखते होंगे, प्रिंटर रखते होंगे, उसको ऑपरेट करने के लिए कोई ना कोई आपको एक सैलरी पर्सन भी चाहिए होगा, आपको एक स्पेस की भी ज़रूरत पड़ेगी और साथ ही साथ बिजली का बिल भी अफोर्ड करना पड़ेगा। लेकिन हर किसी के लिए इतने सारे खर्चे अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है। तो मेरे उन सभी दोस्तों के लिए जो ये खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एक सोल्यूशन लेकर आए हैं, और वो सोल्यूशन है ईजो बिलिंग मशीन। ये मशीन इतनी हैंडी और इतनी छोटी, कोई भी इसे अफोर्ड कर सकता है लेना, और ये काम इतना इजी बना देगी आपका कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दिखाते हैं आपको ईजो बिलिंग मशीन के फीचर, बताते हैं वो काम कैसे करेगी, वो सारी डिटेल भी आपको देंगे। वीडियो पे बने रहिएगा और पूरी वीडियो देखिए, समझ में आएगा कि इस मशीन को कैसे हैंडल करना है। तो आइए करते हैं मशीन की अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, ये है वो मशीन और ये गैजेट्स आपको इसके साथ मिलेंगे, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये है ईजो बिलिंग मशीन, देख रहे हैं कितनी कॉम्पैक्ट और कितनी छोटी है। ऐसे शायद आपको इसका साइज समझ में ना आ रहा हो, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, मेरे हाथ में ही ये मशीन पूरी फिट हो चुकी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मशीन का साइज़ कितना ज़्यादा छोटा है। और वेट की बात की जाए तो 100 से 150 ग्राम का इसका वेट है, जो कि बहुत ही हैंडी है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी सारा दिन भी अगर आप इसे लेकर घूमेंगे तो। और इसके साथ क्या मिलने वाला है वो दिखाते हैं आपको आगे। इसके साथ आपको एक अडैप्टर मिलेगा, ये देखिए, एक डाटा केबल मिलेगी जो कि सी टाइप डाटा केबल है, ये देखिए, इससे आप इस मशीन को चार्ज करेंगे। चार्जिंग के लिए यहाँ पर एक पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आप ये डाटा केबल लगाएंगे और इसे चार्ज करेंगे। साथ ही इसमें एक बैटरी दी गई है, दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये चार्जेबल बैटरी है, इसी को चार्ज करके आप इस मशीन को चलाएंगे, और एक बार चार्ज होने के बाद ये 8 से 10 घंटे का बैकअप आपको देगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक ही सेक्शन दिया हुआ है, इसके अंदर आपको ये पेपर रोल फिट करना होगा, काफी टाइट है दोस्तों ये देखिए, ये ओपन हो गई है और ये रोल यहाँ पर लगा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पर ये रोल लगेगा, और जब खत्म हो जाएगा तो आप इस रोल को चेंज करेंगे। इस पेपर को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे और इसे यहाँ से ऐसे बंद करेंगे तो ये रोल फिट हो जाएगा इसके अंदर। और इसके साथ ही आपको ऐसे ही 11 से 12 रोल आपको इसके साथ मिलेंगे, जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक आपको यूज़ करने के लिए ठीक रहेंगे। साथ ही आपको एक रेटिंग कार्ड मिलेगा, अगर आपको ये मशीन बहुत अच्छी लगती है या नई भी लगती है, जैसी भी आपको लगती है वो रिव्यू आप गूगल पे जाकर दे सकते हैं इस कार्ड के थ्रू। इसके साथ ही आपको मिलेगा ये क्यूआर कोड, जिसका भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने शॉप या जो भी आपका बिजनेस है उसमें। साथ ही आपको एक मैनुअल मिलेगा जिसको पढ़कर आप पता लगा पाएंगे कि इस मशीन को यूज़ कैसे करना है। अब दिखाते हैं ये मशीन काम कैसे करती है। यहाँ पर इसमें एक पावर बटन दिया हुआ है, जिसे जब आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक ग्रीन लाइट जलेगी, मैं आपको ऑन करके दिखा देती हूँ फिलहाल। ये देखिए, ग्रीन लाइट जली है और बीप की आवाज़ आई है। अब आप सोचेंगे दूसरा बटन किस लिए, इस बटन को दबाते ही पेपर थोड़ा सा बाहर आएगा, ये देखिए, तो ये बटन का यूज़ सिर्फ इतना ही है। अब दिखाते हैं कि ये मशीन काम कैसे करती है। इसको काम कराने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाके ईजो बिलिंग मशीन की एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। उस ऐप को कैसे डाउनलोड करेंगे और इसके साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, ये अब हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, ये है हमारी मशीन और ये है मेरा फ़ोन। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना होगा, मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर प्ले स्टोर। यहाँ पर आपको ईजो बिलिंग मशीन ऐप है, जिसका आइकन आप देख लीजिए इस तरीके का है, इसी पर आपको क्लिक करना है और इंस्टॉल करना है। ये देखिए, इंस्टॉल हो गई है, अब इसे हम ओपन करेंगे। जैसे ही आप इस डेस्कटॉप पे आएंगे, यहाँ पर एक ऑपरेटर बोलेगी आपको अपना नंबर ऐड करने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नंबर ऐड करना होगा, जो भी नंबर वो ऐड कीजिएगा जिस पर ओटीपी आप रिसीव कर पाए, अपना सिक्योर ओटीपी डालें। जैसे ही आप ये करेंगे एक ओटीपी आएगा आपके मैसेज। दोस्तों, जैसे ही आप अपने फोन में ओटीपी डालेंगे आप इस स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे। अब बात आती है इसको मशीन को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करने की। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना प्रिंटर ऑन करना होगा। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे ग्रीन लाइट चलनी शुरू हो जाएगी, और साथ ही आपको अपने फ़ोन में
ब्लूटूथ और लोकेशन को भी ऑन करना पड़ेगा, तभी यह मशीन जो है आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट होगी। अब दिखाते हैं आपको कि बिल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस बटन को दबाएंगे तो थोड़ा सा पेपर बाहर आ जाएगा, ये देखिए। अब यहाँ लिखा हुआ है कनेक्ट प्रिंटर, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर एक ऑपरेटर बोलेगी कि प्रिंटर कनेक्ट किया जा रहा है और ये स्लिप बाहर आएगी यहाँ से। इसका मतलब ये है कि दिस इज़ टेस्ट प्रिंट, प्रिंटर जो है वो आपका फ़ोन के साथ कनेक्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब हम इस पर इस ब्लूटूथ कनेक्शन पर क्लिक करेंगे और न्यू सेल पे क्लिक। अब बताते हैं आपको कि इस मशीन से बिल कैसे निकाला जाएगा। बिल निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सेल पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। आपके रेस्टोरेंट में जो भी डिशेज ऐड होंगी यहाँ पर वो सारी डिशेज शो करेंगी। अब मान लीजिए किसी कस्टमर ने एक बिरयानी और छोले भटूरे का ऑर्डर दिया है, तो हम इन पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए बैंक चेक और कैश लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पेमेंट जिस भी तरीके से आप रिसीव कर रहे हैं वो भी यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद हम जैसे ही सेव का बटन दबाएंगे, ये देखिए बहुत ही इजीली जो है हमारा बिल मशीन से बाहर आना शुरू हो गया है। ये देखिए जो आपका घंटों का काम मिनटों और सेकंडों में हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर जो है आपका जो भी रेस्टोरेंट का लोगो है वो आ गया है, रेस्टोरेंट का नाम आ गया है, एड्रेस आ गया है, फ़ोन नंबर आ गया है और कस्टमर ने जो भी ऑर्डर दिया है उसकी डिटेल आ गई है और टोटल आ गया है। तो इस तरीके से बहुत ही कम टाइम में आप बिल को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसको, इस पेपर को फाड़ने के लिए आपको इसे इस तरफ पुल करना होगा क्योंकि इसका ब्लेड इस साइड है और जस्ट इसको इस तरीके से फाड़ के आप अलग कर सकते हैं। अब मैं बताने वाली हूँ आपको जो इसमें यहाँ लोगो, नाम, फ़ोन नंबर, ये जो भी डिटेल्स हैं इसको किस तरीके से ऐड किया जाएगा। अब दोस्तों दिखाते हैं आप अपने रेस्टोरेंट का लोगो, नाम, फ़ोन नंबर, वो सारी चीज़ें कहाँ से ऐड करेंगे। तो ये देखिए ये जो थ्री लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर ये लोगो दिखाई दे रहा है। ये लोगो ऑलरेडी ऐड है इसलिए यहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम इसमें यूज़ करेंगे तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर प्रोफाइल में आप इमेज बदल भी सकते हैं। ये देखिए अपनी गैलरी में आपका रेस्टोरेंट का जो भी लोगो है वो यहाँ पर चूज़ करके आप इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप रेस्टोरेंट का नाम डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं, बिजनेस की डिटेल्स डाल सकते हैं, बैंक डिटेल डाल सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका UPI का बारकोड भी आपके बिल पे ही प्रिंट हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आप चाहते हैं यहाँ पर आपके सिग्नेचर शो हो तो वो भी आप कर सकते हैं। आप कोई लकी इमेज लगाना चाहें तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप जब सेव पे क्लिक करेंगे तो वो सभी कुछ आपके बिल पे ऐड होकर आएगा। बाकी आप इसके अंदर अपनी पूरे दिन की रिपोर्ट देख सकते हैं, सेल की लिस्ट देख सकते हैं, परचेज लिस्ट देख सकते हैं, अपने एक्सपेंस देख सकते हैं, कितना पैसा आया, कितना गया, इंग्रेडिएंट की लिस्ट कितनी है, पार्टी की लिस्ट कितनी है, स्टाफ की लिस्ट क्या है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। अब अपने रेस्टोरेंट में मान लीजिए आपको कोई और भी आइटम ऐड करनी है, उसके लिए क्या करेंगे, तो जो यहाँ इन्वेंट्री का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा है न्यू आइटम। जैसे ही आप न्यू आइटम पर क्लिक करेंगे यहाँ से आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, आप जो भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर। मान लीजिए ये आलू पूरी की डिश है आपकी जो आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, उसकी पिक आपके फ़ोन में होगी, आप वहाँ से इसको ऐड कर दीजिए। प्रोडक्ट का नाम लिख दीजिए, सेलिंग प्राइस लिख दीजिए, MRP लिख दीजिए और अगर आप चाहते हैं कि GST नंबर भी आपके बिल पे शो हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑप्शनल है, दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं। बाकी प्रोडक्ट डिटेल है, इन्वेंट्री डिटेल है, प्रोडक्ट डिस्प्ले है, इसमें से जो भी ऑप्शन आप चूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं और उसको सेव कर दीजिए। ये देखिए इस तरीके से सेव हो जाए। इसके अंदर आपको अपनी इन्वेंट्री का स्टॉक का भी पता लग जाएगा। जैसे ही आपका स्टॉक खत्म होने हो रहा होगा यहाँ पर ये इंडिकेट करेगा आपको। ये देखिए करंट स्टॉक 84 माइनस दिखा रहा है और अब जब आप अपना स्टॉक दोबारा से रिफिल कर देंगे तो ये जो है आपको वो भी इंडिकेट करेगा। मान लीजिए मैं दिखा देती हूँ आपको, एडजस्ट स्टॉक पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर आप क्वान्टिटी बढ़ा देते हैं उस आइटम की और सेव कर देते हैं तो ये देखिए जो रेड कलर में शो हो रहा था ये आपको अब ग्रीन कलर में शो हो रहा है। इसका मतलब अभी आपके पास स्टॉक पड़ा है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, आप इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें एक बेनिफिट और है आपको कि आप अपने रेस्टोरेंट के अंदर टेबल वाइज भी बुकिंग कर सकते हैं। ये देखिए हर टेबल की बुकिंग आप इससे कर सकते हैं और एक ही कंबाइंड बिल बना सकते हैं हर टेबल। एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों आपको, ये जो फ्रंट में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पूरे दिन की आपकी सेल दिखाई दे रही है, जितना भी आपकी डिटेल है रेस्टोरेंट की, कितना पैसा आया, कितना गया, स्टॉक कितना है आपका, बैंक मनी, सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। फ्रंट में ही आपको सारी चीज़ों का पता लग जाएगा। मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में नहीं हैं, कहीं बाहर भी हैं
और ये मशीन आपके फ़ोन फ़ोन पर ही सारी चीज़ें आपको बता देगी कि रेस्टोरेंट्स के अंदर कितने का पैसे का काम हो चुका है। तो ये मशीन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगी आपके लिए दोस्तों, बहुत ही छोटी है, बहुत कॉम्पैक्ट है, बड़ी बड़ी मशीनों से भी बहुत अच्छा काम करती है और बहुत ही कम समय में काम करती है। तो मेरे हिसाब से तो इस मशीन को थम्स अप है। और अगर रेट की बात की जाए तो बहुत ही रीज़नेबल रेट पर आपको ये मिल जाएगी, सिर्फ 6,999 रुपये इसका रेट है। और भी अगर कोई डिटेल चाहिए आपको तो ईजो बिलिंग मशीन की जो कॉल सेंटर है, जो सर्विस सेंटर है, उसका नंबर हमने आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, अब वहाँ पे कॉल करके और भी डिटेल में इनसे सारी चीज़ें पूछ सकते हैं और मशीन को ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अंदर आपको इंक का कोई खर्चा नहीं आने वाला है क्योंकि ये एक थर्मो बेस मशीन है, इसमें थर्मो पेपर रोल लगा हुआ है जिसमें आपको इंक की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। एक बार परचेज करने के बाद लाइफ टाइम इसके अंदर आपको किसी खर्चे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिवाय इस रोल के। और ये रोल भी कंपनी आपको इतने सारे प्रोवाइड करा रही है कि आपको काफ़ी टाइम तक चले। ईजो कस्टमर केयर जो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव भी है, आपका पूरी मदद करेगा, हेल्प करेगा इसको दिखा इसको बताने के लिए, इसके फीचर्स बताने के लिए, और इसको आप ऑर्डर भी कर सकते हैं बहुत इजीली, आपके घर पे जो है ये मशीन पहुँच जाए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी। आपसे इस मशीन को मैं 5 रेटिंग दूंगी, आपको आप इस मशीन को कितनी रेटिंग देंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो पे जो नंबर चल रहे हैं उन पर कॉल कीजिए और ईजो की टीम से बात कीजिए, उनसे इस मशीन के बारे में और भी जानकारी आप ले सकते हैं। वैसे मैंने आपको बहुत काफ़ी हद तक पूरी डिटेल में आपको पूरी ईजो मशीन की जानकारी दी है, फिर भी अगर कुछ रह गया हो आप नंबर पर कॉल करके उनकी टीम से बात कर सकते हैं, मशीन ऑर्डर कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।